हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो लेक्चर दोस्तों 8वां है, और इससे प्रीवियस सारे लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके थे। तो आज का यह फोर्थ चैप्टर का फोर्थ टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। अब आप लोग इसे पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपका फोर्स जो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज हम लोग व्हाट इज फोर्स पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी पढ़ेंगे, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, मतलब कि फोर्स का गुण। तो दोस्तों फोर्स क्या है? तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि वह पुश और पुल को ही हम लोग फोर्स कर देते थे। तो लेकिन अब हम लोग दोस्तों इंजीनियरिंग लेवल में हम लोग यह डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं? तो आपको दोस्तों सिंपली यह करना है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो इसका यह मतलब हुआ कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या करता है, जो कि ऑब्जेक्ट के कंडीशन या ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उस अवस्था को चेंज करता है या फिर चेंज करने का कोशिश करता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ले आता है, अगर वह रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले आता है, अगर वह मोशन में है तो उसको एक्सेलरेशन कर देता है, मतलब कि उसको अवस्था में चेंज कर देता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स को डिनोटेड हम लोग एफ से करते हैं। इसका एसआई यूनिट दोस्तों न्यूटन होता है, इसका एमकेएस यूनिट दोस्तों किलोग्राम होता है, इसका सीजीएस यूनिट दोस्तों डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन दोस्तों ये होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको फोर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात रहेगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर या फिर ऑब्जेक्ट पर? तो दोस्तों आप फोर्स के जरिए या फोर्स के द्वारा आप लोग पुशिंग कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं, लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं, एंड प्रेसिंग आप कर सकते हैं। मतलब दोस्तों देखिए, ये एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, जो ट्रॉली होता है उसको पुश कर रहा है, मतलब उसको पुश कर रहा है, मतलब यह क्या है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है जिस फोर्स के कारण यह आगे की ओर मतलब इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। तो फोर्स के जरिए हम पुशिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, यह एक बेचारा बंदा है जो कि इसे खींच रहा है, जिससे खींचा नहीं रहा है। तो बेसिकली दोस्तों यह एक बंदा है जो कि इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है दोस्तों, पुल कर रहा है, पुलिंग कर रहा है। पुल करने का मतलब है कि अपने ओर खींचना। तो यह दोस्तों अपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो आप फोर्स के जरिए दोस्तों पुलिंग भी कर सकते हैं, पुशिंग भी कर सकते हैं। अब रह गया दोस्तों लिफ्टिंग। लिफ्टिंग करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी भी वस्तु को लिफ्ट करना अपने फोर्स के जरिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वो अपने जो ये इसे डंबल कहते हैं उसे वो उठा रहा है, फिर नीचे ला रहा है, फिर उसे उठा रहा है। करने का मतलब ये वेट जो है इसको लिफ्ट कर रहा है, मतलब कि जो वेट नीचे है उसको उठा रहा है। तो आप फोर्स के जरिए वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। और रह गया दोस्तों बात स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने मतलब है दोस्तों कि खींचना, मतलब कि देखिए एक रबर है, रबर को दोस्तों ये खींच रहा है, तो इसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो आप फोर्स के जरिए स्क्रैचिंग भी कर सकते हैं। अब रहेगा दोस्तों ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने का मतलब यह है दोस्तों कि मोड़ना। करने का मतलब ये दोस्तों कपड़ा है, कपड़ा को यह मोड़ कर इसमें से पानी दोस्तों निकाल रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ दोस्तों फोर्स लग रहा होगा। तो आप फोर्स के जरिए ट्विस्टिंग भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब बात रहेगा दोस्तों प्रेसिंग। तो यह देखिए दोस्तों, बर्गर है जिसको इस आदमी प्रेस करके इसको शेप एंड साइज में चेंज कर दे रहा है। दोस्तों देखिए, यह प्रेस कर रहा है। तो आप लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के जरिए आप लोग प्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोग से कोई पूछे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स या फोर्स के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लोग दूसरे बोलिएगा पुशिंग कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं, लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्क्रैचिंग कर सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं, प्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों और पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स और क्या क्या हो सकता है। तो इट मे ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट और कंडीशन। कोई भी जो फोर्स होता है दोस्तों वह बॉडी के कंडीशन में चेंज ले आता है, या तो रेस्ट में हो तो रेस्ट में ले आएगा,
सॉरी दोस्तों, या तो रेस्ट में तो मोशन में कर देगा, या तो मोशन में है तो वो रेस्ट में कर देगा। और क्या कर देगा? इट मे द चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है फोर्स, वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकता है, वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता है। कहने का मतलब कि दोस्तों ये सब इफेक्ट है फोर्स का। अब दोस्तों पढ़ेंगे कि फोर्स का गुण क्या क्या है। तो इट मे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह दोस्तों कि ये चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का कंडीशन। मान लीजिए दोस्तों ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले आएगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे आप रेस्ट में ले आएगा। तो फोर्स के जरिए आप यह कर सक फोर्स के जरिए दोस्तों यह आप कर सकते हैं। इट मे चेंज द शेप ऑफ बॉडी। दोस्तों फोर्स आपका जो बॉडी होता है उसको चेंज कर सकता है शेप में। कहने का मतलब यह है दोस्तों जो फोर्स है वह बॉडी के शेप में चेंजिंग ले आ सकता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है दोस्तों? तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इफ़ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर चेंज देन द इफेक्ट ऑफ फोर्स आल्सो चेंज। कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों चेंज हो जाए तो जो इफेक्ट है फोर्स का वो भी चेंज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपका यह फोर्स टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहिए इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।